15 अक्टूबर मिसाइल मैन के नाम से मशहूर देश के पूर्व राष्ट्रपति और विश्व प्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की जन्मतिथि है। वो भारत के मिसाइल प्रोग्राम के जनक थे, इसलिए उन्हें मिसाइल मैन की पदवी मिली। उन्होंने दुनिया भर में अपनी और भारत की अलग पहचान बनाई। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के 86वें जन्मदिन पर देखिए ये खास रिपोर्ट। वे इस्लाम को मानते थे, रोजा और नमाज के पाबंद थे। उनके एक हाथ में कुरान और दूसरे में गीता हुआ करती थी। वे हिंदू संस्कृति के अच्छे जानकार थे। उन्होंने संस्कृत भाषा सीख रखी थी। खाली समय में वे वीणा बजाते थे। उनके पिता मस्जिद के इमाम थे, लेकिन उनके घर तक पहुंचते पहुंचते धर्म और जाति की दीवार टूटकर बिखरने लगती थी। सही मानने में सच्चे और सेक्यूलर भारत के 11वें राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। उन्होंने देश के कुछ सबसे महत्वपूर्ण संगठनों DRDO और इसरो में कार्य किया। उन्होंने वर्ष 1958 के पोखरण द्वितीय परमाणु परीक्षण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और देश में परमाणु बम जैसे विनाशकारी हथियारों को बढ़ावा देने जैसे आरोप उन पर लगे, जिसको लेकर उनकी आलोचना भी हुई। डॉक्टर कलाम भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम और मिसाइल विकास कार्यक्रम के साथ भी जुड़े और इसी कारण उन्हें मिसाइल मैन भी कहा जाता है। उन्होंने कई किताबें भी लिखी, जिसमें विंग्स ऑफ फायर सबसे ज्यादा चर्चित रही। साल 1981 में पद्म भूषण और 1990 में उन्हें भारत सरकार द्वारा पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। साल 1957 में उन्हें रक्षा क्षेत्र में प्रौद्योगिकी के वैज्ञानिक अनुसंधान और आधुनिकीकरण के क्षेत्र में योगदान के लिए भारत रत्न से सम्मानित किया गया। साल 2002 में वे देश के राष्ट्रपति चुने गए। 2015 संयुक्त राष्ट्र ने डॉक्टर कलाम के जन्मदिन को विश्व छात्र दिवस यानी वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे के रूप में मान्यता दी। तमिलनाडु के रामेश्वरम में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO द्वारा उनकी याद में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम नेशनल मेमोरियल बनाया गया है। तमिलनाडु राज्य सरकार ने घोषणा की कि उनका जन्मदिन 15 अक्टूबर को पूरे राज्य में युवा पुनर्जागरण दिवस यानी यूथ रेनेसेंस डे के रूप में मनाया जाए। APJ अब्दुल कलाम के नाम पर विश्व की सबसे छोटी सैटेलाइट कलाम सेट बनाई गई है, जिसे 18 वर्षीय भारतीय ने बनाया है। अंकुश चौबे की रिपोर्ट, गो न्यूज़।